हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप टाइटल और वीडियो के थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिमालय हिमकोलिन जेल को यूज करने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने काफी सारी वीडियो और भी इससे रिलेटेड डाल रखी है, लेकिन उसमें अच्छे तरीके से हमने ये नहीं बताया था कि इसको लगाने का सही तरीका क्या है। उसके बारे में इसी वीडियो में कंप्लीट तरीके से आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। और भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी अपने, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही हटकर और बहुत ही बढ़िया तरीके से नॉलेज मिलने वाली है। पूरा देखना है, थोड़ा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि दबाव की हाफ नॉलेज हमेशा नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं टॉपिक पर, मुद्दे पर। हिमालय हिमकोलिन जेल जो होता है, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग किया, इसको जो बनाया है, हिमालय कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, बनाया गया है। प्राइस की बात करते हैं इसकी, तो आपको 230 रुपीज में ये जेल मिल जाता है। जैसे कि आप इसके साइड में देख सकते हैं पैकिंग इस तरीके की, ये देखने में होता है, इस तरीके की पैकिंग इसकी होती है देखने में, और ये 30 ग्राम का जेल होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाता है। इसके अंदर अब इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाला हुआ है कंपनी ने इसके अंदर। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे के सारे हर्ब्स होते हैं, कोई भी होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिसिन इसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर ज्योतिष मती होता है, इसके अलावा लता कस्तूरी होता है, निरगुंडी होता है, जोहर पथारा होता है, करपाशा होता है, मुकुलुका होता है, जाति पत्री होता है, जाति फलम होता है, लवंगा होता है, ताजा होता है और बेस होता है। ये कुछ 10-11 तरीके के सॉल्ट इसके अंदर होते हैं जो कि इसको इतना पावरफुल जेल बनाते हैं। अब जानते हैं इसका जो काम होता है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो जेल होता है दोस्तों, ये करता क्या है, ये जब आप अपने महिला पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो उस टाइम पर ये आपके प्राइवेट पार्ट में जो नसें होती हैं, नसों के अंदर खून के दौरान को, खून के प्रवाह को बढ़ा देता है, जिससे कि जब खून का प्रवाह उसके अंदर बढ़ता है तो वहां पर टाइटनेस आने लगती है और पुरुष जो है अपने पार्टनर के पास जाने से नहीं शर्माता है। तो शीघ्र पतन की दिक्कत में इसको लेने की लगाने की सलाह दी जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो उन पुरुषों को भी इसको लगाने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कोई पुरुष ऐसा है जिसके प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आ पाता, कड़ापन नहीं आ पाता है, तो उन लोगों को लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे पुरुषों की प्रॉब्लम समस्या रहती है कि वो अपने पार्टनर के पास जाते तो हैं, कड़ापन भी आता है, लेकिन कुछ ही मिनटों सेकंडों में कड़ापन खत्म हो जाता है, टाइटनेस खत्म हो जाती है, तो इरेक्शन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है कि खून के प्रवाह को बढ़ा देता है, ब्लड के प्रवाह को बढ़ा देता है नसों के अंदर प्राइवेट पार्ट की। तो ये इसके काम करने का तरीका होता है। अब जानते हैं कि इसका जो सही इस्तेमाल, जो मतलब इसको जैसे यूज करना होता है, वो किस तरीके से करना है। तो यहां तक अगर आप वीडियो में बने हो तो बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान लगा के वीडियो को सुने। ये जो जेल है इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही इजी आसान तरीका होता है इसको लगाने का। आपको करना क्या है, जब आप अपने पार्टनर के पास जाने वाले होते हैं संबंध बनाने के लिए, तो उससे आधा घंटा या फिर 45 मिनट पहले आप इस जेल को उंगली पर लेना है आपको, और जो आपके प्राइवेट का जो अगला हिस्सा है उसको छोड़कर पिछले हिस्से तक रब करना है, पीछे तक इसको रब करना है, और अच्छे से 2-3 मिनट तक रब करना, ताकि ये जो जेल है ये अंदर नसों तक जो है आसानी से पहुंच जाए। तो उसके बाद में जो ये अपना सर चालू कर देता है, तो उस 30 से 40 मिनट में अगर आप इसको लगा लेते हैं पहले, फिर अपने पार्टनर के पास जाते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और इसको डेली बेसिस पर अगर आप लगाना चाहते हैं, ज्यादा ही प्रॉब्लम है आपको, ज्यादा ही नशों में ढीला बने, तो तब इसको आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लगाने संबंध बनाने से पहले भी लगाएंगे तब भी आपको ये काफी अच्छा बेनिफिट देता है। इसके बाद में आपको अपने हाथ जो अच्छे से धो लेने हैं जेल लगाने के बाद में, मिनट तक इसको रब करने के बाद छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट में ऐसा आते नहीं है, थोड़ा बहुत इचिंग, रेडनेस, एलर्जिक वगैरह हो सकती है, और खास साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको हिमालय हिमकोलिन जेल का लगाने का सही तरीका, उसके काम करने का तरीका सब कुछ बता दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।